हाँ लाइन पहुँच गए पहुँच गए, आगे जगह नहीं होगी। अरे ले जाओ बस छोड़ के निकल। क्या हुआ क्या हुआ? नहीं आ गए आ गए। हाँ वही देवी, क्या सीन है? सीन ऑन है भाई, सीन ऑन है। यहाँ पे वैसे जलालत का सीन लग रहा है मुझे तो। अच्छा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। अच्छा वी आर ट्रैवलिंग अगेन, वंस अगेन आई एम ट्रैवलिंग दिस टाइम विथ माय होल फैमिली। और ये मैं आगे जाके बताऊँ हम जहाँ कर रहे हैं। और ये जगह जो है ना लास्ट टाइम वाली व्लॉग से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ हम जा रहे हैं। मगर कैच ये है कि तो मैं PIA से ट्रैवल कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। समझ लें पहले PIA से ट्रैवल किया है मगर काफ़ी अरसे बाद कर रहा हूँ, समझ लें बस बहुत 15-20 साल के बाद दोबारा ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आई रियली होप सो कि ट्रैवल एक्सपीरियंस सही रह जाए। बहरहाल बहुत लंबी लाइन है इमिग्रेशन पे, तो यहाँ तो जो है ना फुल खौरी लगने वाली है मुझे लग रहा है। फ़्लाइट है तकरीबन 5 बजे की, 5:30 तक की है, तो उस टाइम तक तो हम इंशाल्लाह जो है पहुँच ही जाएंगे। हुसैन भाई इज़ ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एयर। हुसैन पहली दफ़ा जा रहे हैं बाय एयर और अभी ये रो रहा है इमिग्रेशन को देख देख के। हुसैन क्या हो गया बेटे, क्यों रो रहे हो आप? जहाज की नोक पे बिठा देते, तुम टेंशन नहीं लो। वहाँ से फ्लाइट पे जाना है। अजय बिस्किट कौन खाएगा? ये बिस्किट खाएंगे? नहीं खाएगा। अरे चलेंगे ना बोलो। हाँ भाई PIA का सीन शुरू हो गया, ठीक है। वहाँ लोगों ने लाइन लगाई है पीछे, इसमें खैर नहीं दिखेगी, लाइन लगाई है लोगों ने पीछे और अभी तक जो है चेक इन नहीं स्टार्ट है क्योंकि सिस्टम बैठा हुआ है। इन द मील वाइल मुझे किसी ने एडवाइस किया है कि आप इमिग्रेशन की लाइन में लगो, इसमें भी 1-2 घंटे लगेंगे। बाय दैट टाइम आपकी बारी आएगी तो आपका पासपोर्ट मैं बोर्डिंग पास के साथ ला के दे दूँगा। वाकई जो है अभी बहुत लंबी लाइन है इसकी इमिग्रेशन की। हाँ भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन हो गई है हमारी और ये हुसैन साहब अभी सेटल डाउन हो गए काफ़ी हद तक और अब हम जा रहे हैं वेटिंग लाउंज की तरफ। हाँ भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन वगैरह से फ्री हो गए और अब ये रास्ता जो है ना जो कि मेरा फेवरेट है हम इस पे आ गए दोबारा। अजीब कह रहा है कि हमारी एक दुबई की बड़ी यादगार तस्वीर थी ऐसे, तो हमने दोबारा वो यादगार तस्वीर खींची है। तो अभी हम जाएंगे और बस वेटिंग लाउंज में बैठ करेंगे आराम। अच्छा भैया हुसैन साहब जो है ना अभी प्लेन देख कर आया अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा बहुत करीब से। हुसैन कैसा है, स्मॉल है बिग है? इसमें बताओ 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 ना भी कैसे बता रहे थे ऐसे बताओ ना बेटा कैसे कितना बिग है अभी जैसे बता रहे थे ऐसे करके बताओ ना। देखिए ऑपरेटर फैमिली कोड है गेट नंबर 27 पहले बताओ ऐसे करके बताओ ना बताओ ऐसे हां बहुत बिग है। हुसैन साहब जो है ये जहाज को क्या कहते हैं एरोप्लेन को जू कह रहा है बहुत बिग जू है। काफ़ी देर तक ये जो है ना देखता रहा प्लेन को बहुत गौर से। हुसैन बेटा क्या है ये डम्मेस। हाँ डस्टबिन को कह रहा है डम्मेस। ये हुसैन इतना अच्छा बच्चा है डस्टबिन देख के कचरा फेंकता है, ये बहुत अच्छा बच्चा है। आ जाओ बैठ जाओ चाचा के साथ बैठ जाओ यार इतनी देर से घूम लो थक जाओगे। अच्छा भाई वेटिंग लाउंज में सीन ऐसा है कि इनके जो वाले साहब है ना वो लम्बा लेट के सो गए वेटिंग चेयर पे और ये जो है ना ये हमारे भतीजे हमारी जिम्मेदारी लग गई है इनके पीछे हम भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ इनको संभाल लें। और मुझे तो लगता है आगे ट्रिप भी जो है ना ऐसे ही चलने वाले हैं कि ये हमारे जिम्मे रहेंगे। हाँ भाई सबसे टाइट सीट, हम लोग बस बोर्डिंग के लिए जाने वाले थे और इन्होंने जो है कर दी कार्रवाई और एमरजेंसी में जो है जैन ने जल्दी जल्दी जो है ना इसका पैंपर चेंज कराया और अभी ये भाग रहे हैं और ये बिला वजह भाग रहे हैं। मेरी जेब में टेंशन नहीं लो। अरे भाई हम तो अकेले रह गए सबसे आखिर में। वाह वन ऑफ माय फेवरेट प्लेन्स बोइंग 777 आया भाई आज। ओ ये तो रेट्रो वाला है।
हाँ भाई, बोर्डिंग होने लगी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली, और हम जा रहे हैं। मैं आपको अपनी शक्ल इसमें दिखा रहा हूँ क्योंकि वैसे आप मेरी शक्ल देख नहीं सकेंगे। और ज़ोहेब साहब फुल अपने मज़े में हैं। अच्छा, मुझे लग रहा था कि जो है ना प्लेन काफ़ी भरा होगा, यहाँ तक लाइन होगी, मगर लकीली कोई लाइन नहीं है। अरे वाह हुसैन, वाह भाई, बोइंग 777 रेट्रो, बहुत ज़बरदस्त। अबे भाई सब बैठ गए, फिर हम ही रह गए। वालेकुम, आप इधर से चलिए मगर उस तरफ। सही है, हाँ भाई बोइंग। अरे भाई क्या फर्स्ट क्लास मिल गई, क्या 1H। थैंक यू तो सेट हो गया। आजो इधर, आजो आजो जल्दी से आजो। थैंक यू। ये और मैंगो जूस है। थैंक यू। तो पीआईए के अल्हम्दुलिल्लाह में फर्स्ट क्लास मिल गई है, अपग्रेड हो गया है, आई डोंट नो हाउ, मगर जो है ना बहुत सैड सीन है। मुझे तो बल्कहर सीट मिली है, और जो मुझसे विंडो सीट की पुगम हार गया था, फिर भी ये आके जो है इसने बदमाशी करके सीट ले लिया। तो अभी जो है पीआईए की फ़र्स्ट क्लास इन्जॉय करेंगे। फर्स्ट क्लास वैसे भी फिनोमिनल होती है, बेहतरीन लेग रूम। अब वो बैठे हुए दूर हमारे हुसैन साहब, इसकी सही किस्मत है हुसैन जी, ट्रैवलिंग इन प्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम और उसको मिल गया फर्स्ट क्लास। क्या हाँ भाई, ज़ोएब साहब बैठे हैं फुल ज़ीरो ग्रेविटी में, पीआईए के मज़े ले रहे हैं फर्स्ट क्लास के। हमने भी सीट अपनी कर ली है फुल ज़ीरो ग्रेविटी पोजीशन में, और बड़ा रिलैक्स करते हुए जा रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। बस ये कि पीआईए के पर्क्स जो है ना, पीआईए के जो पर्क्स हैं ना फर्स्ट क्लास के, वो ये बस ये लेग रूम के, बाकी सामने टीवी है ये बंद है। हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बस हम लोग जो है कैप्टन पर भरोसा करके चल रहे हैं। और इसके अंदर स्क्रीन है जो कि निकल नहीं सकती, और ये रिमोट है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बस है। और यहाँ से जो है ना अभी मुझे कीड़ा घूमता हुआ दिखा। बहरहाल सफ़र तो सुकून है, मुझे उम्मीद है खाना बहुत अच्छा होगा, मुझे खाना बहुत पसंद है वैसे भी जहाज़ का। हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, एंड दिस लुक्स लाइक वेरी वेरी फिनोमिनल, और बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है मुझे, बचपन के दिन याद आ रहे हैं पीआईए के। अमेजिंग बात है ना, नॉस्टैल्जिक फीलिंग जो मैं कह रहा हूँ, ये पीआईए का प्लास्टिक का कप जिस पर पीआईए लिखा हुआ है। नाश्ता नो डाउट बहुत आउट क्लास है, बट इसके अंदर एक खलिश रह गई, इसके अंदर पराठा दे देते ना तो मज़ा ही आ जाता। बस इसके ना पराठा नहीं है। हुसैन साहब जो है पूरे रास्ते सोते हुए आए, इतनी गहरी नींद में अभी जाके इतनी मुश्किल से उठे हैं। बस जब हम पहुंचने वाले, हाँ भाई खाना हमने खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रेकफास्ट बेसिकली बहुत ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट। तो खाने के तो ये को भाई 10 out of 10 है, और जो स्टाफ है यहाँ पे इट्स लाइक वेरी वेरी फ्रेंडली, तो उनको भी मेरी तरफ से जो है ना भाई 10 out of 10 है। और बस अभी हम पहुँचने वाले हैं, किस जगह पहुँचेंगे मैं आपको इंशाल्लाह पहुँच के बताऊँगा। और यहाँ पे जो है ना फिल घर वाला माहौल चल रहा है, जैसे ही खाना वाना ख़त्म होएगा भाई सब जो है विंडोज़ वगैरह ब्लाइंड डाउन कर दें, सोना है सोने के लिए, और लाइट्स वाइट्स ऑफ हो गए, हमने ज़बरदस्त नींद की है पूरी। और बस अब अभी हम पहुँचने वाले हैं। ये हुसैन साहब इंजॉय करते हुए माशाल्लाह। हुसैन हाथ हिला दो इसमें, और बाहर आ गए हैं बैग जुगाड़ लेके अल्हम्दुलिल्लाह। और दिस टाइम वी हैव अराइव्ड इन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी, वन ऑफ माय फेवरेट, मुझे उम्मीद है आप सबकी भी फेवरेट होगी, ब्यूटीफुल सिटी ऑफ मदीना।
और ये ज़ोएब साहब आते हैं, मैं और उसके पीछे हुसैन साहब बैग पे बैठे हुए आ रहे हैं। हुसैन कितनी सारी आई, देखो ब्लैक आई चाहिए थी ना, देखो कितनी सारी ब्लैक आई आ गई। हुसैन किधर आ रहा है? ये मेरा भतीजा है पीछे हुसैन। खैर अभी तो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी आपको पता चल गया होगा मेरा भतीजा है हुसैन। ही इज़ लाइक अ वेरी वेरी लकी पर्सन फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर ऑल ऑफ अस ऑल। वो कैसे मैं आपको बताऊँगा, वो इस तरह है कि इसने ज़िंदगी में पहला सफ़र किया है और पहला सफ़र इसने माशाल्लाह मदीना का किया है। इससे ज़्यादा किस्मत किसी की नहीं हो सकती। इस एज में हम लोग जो है ना थाईलैंड वाइलैंड के चक्कर काट रहे थे, मगर अल्लाह पाक ने इसको अपने घर बुलाया है इस एज में, और पहली दफ़ा भी एयरप्लेन में बैठा, और इसी वजह से शायद हमें भी अपग्रेड मिल गया है बेहतरीन फर्स्ट क्लास का। तो खैर मेरी दुआ है कि हम सब की अल्लाह पाक ऐसी किस्मत रखे सबको बार बार अपने घर पर बुलाए।